हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं निमेश परमार। मैं हूं सोफी परमार। मैं हूं मंजुला परमार। निम्मी, सोफी और मम्मी। आज रिएक्शन देने के लिए सिर्फ मैं और मम्मी है। अनफॉर्चुनेटली सोफी को वायरल फीवर है, सो वो हमारे साथ रिएक्शन नहीं दे पाएगी, बट वो बैक कैमरा हमारे साथ जरूर है यहाँ पर। हेलो गाइस, तो अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक @SNMFamily। सो आज हम टीजर रिएक्शन करने वाले एक तेलुगु मूवी वर्ल्ड फेमस लवर का। सो इस मूवी में लीड रोल में है एंग्री मैन विजय देवराकोंडा, राशि खन्ना, कैथरीन इजाबेल और ऐश्वर्या राजेश। इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रांति माधव ने। ये मूवी रिलीज होने वाली है 14 फरवरी 2020 को, तो इसे देखने जरूर जाएं अपने नजदीकी सिनेमा घरों में और दूर के सिनेमा घरों में भी। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। प्रेम अंटे ओक कॉम्प्रोमाइज़ गौतम, प्रेम अंटे ओक सैक्रिफाइस, ప్రేమలో దైవత్వం ఉంటుంది, ఆ వేవిని కట్టు కా ट्रेलर देखकर तो मेरे को फर्स्ट चीज जो सबसे पहले याद आई वो है अर्जुन रेड्डी। एकदम जो उसका लुक एंड जो उसका बॉटल फोड़ना, गुस्सा, वो सब कुछ अर्जुन रेड्डी टाइप लग रहा था मेरे को, कभी सिंह जैसा लगा। हाँ, वो एक्चुअली ये हीरो ने अर्जुन रेड्डी पिक्चर के जो साउथ में ओरिजिनल थी, उसके बाद उसका रीमेक शाहिद कपूर ने किया था कबीर सिंह में। तो वैसे लुक एंड फील देखो, मम्मी को भी वैसा ही लगा। मम्मी ने अर्जुन रेड्डी नहीं देखी पर कबीर सिंह देखी है तो वैसा लग रहा था। टीजर देखकर मेरे को काफी कंफ्यूजन हो रहा था स्टोरी में, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि तीन सेम एक्टर ने तीन डिफरेंट स्टोरी की है, या उसके लाइफ का तीन या चार डिफरेंट फेज है। क्योंकि एक टाइम पर वो कोल फील्ड में वर्क कर रहा है, जहाँ पे वो एक छोटे से घर में दिखाई दे रहा है, और उसका लुक में भी सिर्फ उसकी मुस्टैश है। उसके एक लुक में ऐसा है कि उसका मुस्टैश एंड बियर्ड नहीं है, वो क्लीन शेव्ड है। और फिर एक लुक में उसको ऐसा लग रहा है कि पायलट के किसी के साथ है, वो स्काई डाइविंग कर रहा है। देन एक सबसे रफ लुक जो अर्जुन रेड्डी से बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है, एकदम बियर्ड बड़ा हुआ, ड्रंक वाली हालत में उसका एंड सीन में भी दिखाया था कि वो एक लड़की को बोलता रहता है कि आई लव यू करके। सो मेरे को समझ में आया कि उसके लाइफ के डिफरेंट फेज है कि स्टोरी डिफरेंट है। कुछ समझ में नहीं आई, हमारा दोनों का कंफ्यूजन यही हुआ है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। अगर आपको इस स्टोरी के बारे में कुछ पता है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो और मुझे भी समझाइए, क्योंकि मुझे इतने अच्छे से स्टोरी समझ में नहीं आई। विजय देवराकोंडा की हमने एक्चुअली अभी दो मूवीज देखी, एक तो अर्जुन रेड्डी एंड सेकंड है गीता गोविंदम। गीता गोविंदम हमने रिसेंटली देखा है, मम्मी एक मूवी देखा था गीता गोविंदम हीरो का, उसमें अच्छा लगा ना। तो एक्टर बहुत अच्छा है, मतलब विजय देवराकोंडा इज अ सुपर्ब एक्टर। मैंने एक और मूवी का ट्रेलर देखा, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड थी, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है अभी, बट वो मूवी का भी मैंने ट्रेलर देखा था और वो बहुत सुपर्ब था। इस मूवी के लिए मुझे अभी कंफ्यूजन है, तो इसका जब ट्रेलर आएगा तो आई होप मुझे स्टोरी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और हम सबका ये कंफ्यूजन है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल कि स्टोरी क्या है। मुझे नहीं दिख रहा, मैं कैमरे के पीछे हूँ। ट्रेलर कैसा लगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देखा, हमारा सब तीनों का कंफ्यूजन ये है कि हमको समझ में नहीं आया एक्चुअली कि स्टोरी में क्या चल रहा है। एक्चुअली वो तेलुगु लैंग्वेज में भी है, That's why भी हमको समझ में नहीं आ रहा कि उसके पीछे जो बैकड्रॉप में वॉइस ओवर चल रहा है वो क्या बोल रहा है एग्जैक्टली। कुछ प्रेम यानी लव से रिलेटेड बोल रहा है ये तो श्योर है, बट एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे? दुनिया का प्रसिद्ध प्रेमी। हाँ, राइट।
तो ये मूवी आ रही है 14 फरवरी को फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि ये लव स्टोरी है. आई थिंक मोर देन अ लव स्टोरी है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक नहीं आई थिंक चार लव स्टोरीज है, मेरे को देखकर ऐसा लगा. सो लेट्स सी, अगर इसका जब भी ट्रेलर आएगा तो मैं डेफिनेटली इसका ट्रेलर हम लोग देखना चाहेंगे और उस पर रिएक्शन देना चाहेंगे. आज के लिए इतना ही. आई नो आपको सोफी की कमी जरूर खली होगी, लेकिन तब भी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, इसे कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. तब क्या करो सब्सक्राइब करो. हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार.